कारवां टीवी हर पल आपके साथ। ईद के मौके पर सपा के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने गांव में किया जनसंपर्क, लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। जिला बरेली के नवाबगंज के रिछोला किफायत तुल्ला में ईद उल अजहा के मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार अपने साथियों के साथ गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मुन्ने मियां के खानकाह पर वहां के सजादा नशीन मुन्ने मियां से मिले। फिर वहां एक सभा को संबोधित करते हुए भगवत सरन गंगवार ने पहले तो लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की, उसके बाद आने वाले चुनाव में सपा को वोट देने की अपील की। साथ ही भगवत सरन गंगवार ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सरकार पर जमकर प्रहार किए और कहा, बीजेपी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। रसोई की कोई भी चीज खरीदने जाओ तो चौगुनी दामों में लोगों को मिल रही है, जिससे मजदूर किस्म के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। देश में बढ़ रहे लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, इस महंगाई में किसान और आम मजदूर किस तरीके से गुजारा करेगा। इसी दौरान भगवत सरन ने आने वाले विधानसभा में सपा को वोट देने की अपील की और कहा, अखिलेश यादव को मजबूत कीजिए, वही एक ऐसे नेता है जो गरीबों के किसानों के बारे में सोचते हैं। भाजपा सरकार ने देश को आग में झोंक दिया, जिससे पूरे गरीब मजदूर काफी आक्रोश है। साथ ही ये भी कहा, अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी नस्लें परवान नहीं चढ़ सकेंगी। इस मौके पर अल्पसंख्यक के पूर्व प्रदेश सचिव मुन्ने बक्स अंसारी, अनिल गंगवार विधानसभा अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य खतीब अंसारी, हरदुआ के पूर्व प्रधान व सपा नेता हृदय नारायण गंगवार, टीटू गवार पूर्व ग्राम प्रधान त्यार जागीर, रिछोला के नरेंद्र गंगवार, सुराज अहमद, निराले अंसारी, कमरुद्दीन मेंबर, जान मोहम्मद, मोहम्मद जाफर, रिछोला ताराचंद के प्रधान पति खुर्शीद अहमद, मोहम्मद नाजिर, चांद बाबू अंसारी, रिछोला के ग्राम प्रधान के पिता रफीक अहमद, सुरेंद्र गंगवार सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। कारवा टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मुबारकबाद। मुत्तहद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, और मुंतसर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव केवल 6 महीने बाकी रह गए हैं, और 6 महीने चुनाव के अंदर बाकी रह गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर इस बार समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और समाजवादी पार्टी की लहर प्रदेश में नहीं चल रही, नवाबगंज के अंदर भी चल रही है। कहीं भी बैठो, कहीं भी आप चर्चा करो, बनसाइड इस बार रिछोला के अंदर एक ऐसा माहौल है, कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ कहा, हर जगह ये आदमी कह रहा है कि बनसाइड भगवत सरन को वोट देना है इस बार, और भगवत सरन को ही वोट देने। भलाई है कि अगर कोई भी समझिए वोट कटेगा तो समझिए नुकसान भगवत सरन का नहीं बल्कि पूरी कौम का होगा। आज आजम खान साहब की हालत आप देख रहे हो कि उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्हें तबीयत सही होती जेल भेजा जाता है, उन्हें जमा नहीं दिया, फिर उनकी तबीयत खराब, फिर अस्पताल भेजा जा रहा है। इन सब की जरूरत को पूरा करने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए केवल एक ही तरीका है, आपका सिर्फ आपका वोट। अगर आपका वोट पड़ गया तो आपको बताना चाहूँ, भगवत सिंह अखबार यहाँ से कम 50,000 वोटर्स जीतेंगे और कोई मार जाने वाला नहीं। और इस बार हर की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ होती है, पूरी विधानसभा में कहीं भी आप चर्चा कर लो तो एक ही आवाज़ आ रही है, भगवत सिंह गंगवार, भगवत सिंह गंगवार, भगवत सिंह गंगवार। और वैसे आदमी कोई बच्चोदी कर ले, कुछ भी कर ले, पूरे प्रदेश में सरकार रुक नहीं रही है। कम से कम 225 सीटें अखिलेश यादव की आएंगी, क्योंकि हिंदू भी जान चुका है कि कोरोना काल हुआ, यहाँ तो दवाई छोड़ो, लोगों को कफन और लकड़ी नसीब हिंदू भाइयों को नहीं हुई, तो हिंदू भाई भी कह रहे हैं योगी जी को भी दफन कर देने इस सरकार। जानना चाहेंगे जिस तरीके से देश में बढ़ती महंगाई, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? ऐसा बात आपने हमारे नज़रिए की है, नज़रिए तो सबके अलग अलग होते हैं। हमारा नज़रिया एक है, इस देश की हुकूमत घरेलू इस्तेमाल की हर चीज़, किसानों की हर चीज़ बहुत महंगाई चरम पर पहुंच रही है। देहात में रहने वालों के लिए ज़िंदगी काटनी दूभर है, और इसके पीछे एक सोच है इनका कि खर्चे बढ़ा दो, आमदनी मत बढ़ाओ, और धीरे धीरे सब गरीब होते चले जाएं। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि मनमोहन सिंह जब देश के वित्त मंत्री बने थे और वो एक उदारवादी नीति लेके आए थे वित्त के मामले में,
पूरा विश्व उस समय वित्तीय संकट से गुजर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान पर कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा उस उदारवादी नीति से। और 98 से लेकर 2014 तक गरीब से गरीब आदमी के पास में रुपया था, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो। जिस घर में साइकिल नहीं थी वहाँ मोटरसाइकिल आ गई। और ऐसे बहुत से घर हैं जिसके घर में जितने बेटे काम करने वाले थे तो उतने बेटों के पास मोटरसाइकिल, तीन तीन चार चार मोटरसाइकिल एक एक घर में। और 14 के बाद फिर वही दौर आ गया कि अब लोगों के पास जमा पूंजी ख़त्म हो गई और अब एक ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, खर्चे करने मुश्किल हैं। तो ये लोग गरीब करके हिंदुस्तान की जनता को गरीब करना चाहते हैं, और वो इसलिए ये लंबी सत्ता करना चाहते हैं। गरीब आदमी कभी बदला नहीं लेता, कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता, चुपचाप रहता है। तो ये चाहते हैं कि ये लोग चुपचाप जलालत झेलते रहें, अपने भूखे प्यासे बेटियों की हर समय बेटे बेटियों की याद बनी रहे और सत्ता के खिलाफ ना बोलें, और सबको गरीब करके लंबे समय ये शासन करना चाहते हैं। दैनिक भास्कर और समाचार भारत समाचार पर जो इनकम टैक्स के छापे हुए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, आपको सब मालूम है। इसके पीछे एक सीधी बात ये है कि गंगा में तैरती लाशें, ऑक्सीजन की कमी, इन दो, एक अखबार और एक चैनल ने दिखाई थी कोरोना काल में, और इसीलिए इनने उनसे मना किया और इनने सच्चाई को उजागर करना चाहा। और मीडिया का काम ही यही है लोकतंत्र को बचाने के लिए कि अपनी सही बात उजागर करे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, मीडिया के लोग बेईमान हो गए हैं, कर्मचारी और उनके अधिकारी नहीं, मालिक लोग बेईमान हो गए हैं, और वो इस सत्ता के साथ जुड़ गए हैं और वो नहीं चाहते कि हमारा कोई नुकसान हो। लेकिन दैनिक भास्कर ने और भारत समाचार ने ये करके दिखा दिया कि ईमानदारी आज भी कहना चाहिए मीडिया के अंदर है। मैं तो कहना चाहूँगा कि मीडिया के सब लोग, सभी साथी इनसे सबक लें और मजबूत लोकतंत्र व्यवस्था में साथ दें। जिस तरीके से आजम साहब एक सपा के कद्दावर नेता हैं और जिस तरीके से उन पर गुजर रही है कि आने वाले समय में सपा कुछ करके दिखाएगी, जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, ऐसा है। आजम खान साहब तो 1.25 साल से जेल में हैं, उन्हें जितनी प्रताड़ना दी है दे सकते हैं, उसकी जिक्र करना ही बेकार है। मैं तो मिला भी हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हम लोगों ने तो, आजम खान साहब ने तो झेल ली, लेकिन ये लोग झेल नहीं पाएंगे, कतई नहीं झेल पाएंगे। हम चुनौतीपूर्वक कह रहे हैं, हमारे भी साथ में जो उन्हें करना हो करें, लेकिन झेल नहीं पाएंगे। मंत्री जी, एक बात और जानना चाहेंगे, लास्ट सवाल है हमारा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दो बच्चों का कानून लाने की बात कर रहे हैं, कितना आप उससे मुतमईन हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, उनके किसी भी कानून की, चाहे बात तीन तलाक की हो, लव जिहाद की हो, NRC और दूसरा कहना चाहिए उसकी बात हो, ये सब सगुफे हैं। ऐसी ये भी सगुफा है, केवल हिंदू को अच्छा लगे और मुस्लिम को बुरा लगे। क्या लग रहा है इस बात से कि समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है? नहीं, उनका तो ये है कि मुस्लिम 18% 16% है पूरे देश के अंदर, तो उसको जितना बुरा भला कहेंगे हिंदू उतना खुश होगा और हिंदू इकट्ठा होकर वोट दे देगा, उन्हें फिर सत्ता में डाल देगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर आ जाएंगे। ये इसलिए सब ये सगुफेबाजी है, हो कुछ नहीं रहा है, ना पीछे कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।